वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे दोस्तों आपके अपने शेविंग चैनल दिवस शेयर में। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं शेविंग की। तो आज मेरे को आपको दो प्रोडक्ट दिखाने हैं और दोनों के दोनों जो हैं पार्कर कंपनी के हैं। सो पार्कर 87R TTO और आई शुड से बटरफ्लाई ओपन रेजर। इसके बारे में मैं अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। इस साल के टॉप 5 में दूसरे पायदान पे रखा था मैंने इस रेजर को। तो बटरफ्लाई ओपन आप समझ ही गए होंगे, देयर इज अ ट्विस्टिंग नॉब एट द बॉटम एंड दिस इज हाउ इट ओपन्स। फिट एंड फिनिश के मामले में कोई संदेह नहीं। हेफ्टी वेट 85 ग्राम का ये रेजर है। लेंथ इसकी 3 to 3.5 और नर्लिंग बहुत खूबसूरत है इसकी। अगर आप देखेंगे इट्स अ बाबरपोल नर्लिंग। सो पाकर के रेजर में बहुत ही रेयर ऐसा होता है कि फिट एंड फिनिश में कभी कभी कोई इश्यूज आ जाते हैं, और जो इश्यूज आते भी हैं वो प्लेटिंग के ऊपर रहते हैं। तो अब तक जितने भी मैंने पाकर के सेफ्टी रेजर्स यूज किए हैं, मोस्ट ऑफ देम आर क्लोज कोम्ब, फ्यू ऑफ देम आर ओपन कोम्ब, तो मेरे को कोई भी इशू नहीं हुआ है। तो पिछले एक डेढ़ महीने से मैं इसको इस्तेमाल किया है एंड आई एम गेटिंग वंडरफुल रिजल्ट्स। तो जल्दी से इसको लोड कर लेते हैं। सो पार्कर का रेजर है तो पार्कर का ही आज ब्लेड यूज करेंगे। इसका फर्स्ट यूज होगा इस ब्लेड का। सो दिस इज यू कैन सी पार्कर। सो बटरफ्लाई ओपन रेजर्स में एक सबसे खासियत ये होती है कि लोड करना बहुत ही आसान होता है। So this is how I have loaded. So today I am going to use Parker soap. और Parker का एक ही shaving soap आता है। So बिल्कुल ये fresh है, अभी तक मैंने इसको use भी नहीं किया है। बहुत ही अच्छी fragrance है sandalwood की। So आप ले सकते हो इसके ऊपर ये cellophane paper। So this is the soap. So Parker वालों का ऐसा कहना है कि they have not used any, you know, chemicals or I should say no parabens or SLS free soap है ये। बहुत ही अच्छी sandalwood की smell इसमें से आ रही है। So जल्दी से इसके अगर मैं आपको ingredients बताऊँ, बहुत ही बारीक लिखा है, कुछ पढ़ने में बहुत दिक्कत है। So इसमें coconut oil, राइस ब्रैन ऑयल, ग्लिसरीन, शिया बटर, फिर कोकम बटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो केमिकल तो है बट इट इज फ्री फ्रॉम पैराबेंस एंड इट इज क्रिएटेड विद अ सेंचुरीज ओल्ड सोप मेकिंग टेक्निक्स। सो काफी बड़े बड़े टॉल क्लेम किए गए हैं इस सोप के बारे में। तो लेट्स सी हाउ दिस सोप परफॉर्म टुडे। इट विल बी माई फर्स्ट यूज of this soap. So I am not going to do any bowl lathering. So इसको मैं pearl की जो छोटा सा shaving bowl होता है उसमें मैंने रख दिया है। So this is pearl shaving bowl and I am keeping this soap in this bowl and for lathering I am using Parker सिंथेटिक शेविंग ब्रश। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। सो इसको कोई ब्लूम नहीं कर रहा हूं मैं आज, डायरेक्टली आई एम अप्लाइंग दिस ब्रश। So I am not going to do bowl lathering today. वैसे पिछले एक महीने से मैं bowl lathering को बहुत ज़्यादा enjoy करने लगा हूँ। So let me come back today to face lathering. So I think this much is enough. Let's create the lather.
आज की जो मेरी बियर्ड है, दाढ़ी है, वो 3 दिन पुरानी है। अमेजिंग स्मेल। देखिए जितने भी मैंने अभी तक सैंडलवुड बेस शेविंग क्रीम्स और शेविंग सोप्स यूज किए हैं, उसमें जो जैसे ट्रू फिट एंड हिल और टेलर ऑफ ओल्ड बॉन्ड स्ट्रीट, उनका सैंडलवुड का तो मेरे को आज तक समझ में नहीं आया। दे रिमेन कंफ्यूज, क्योंकि सैंडलवुड के अलावा हर चीज की स्मेल आती है उसमें, नो डाउट दे आर प्रीमियम शेविंग क्रीम्स। और भारतीय उसमें देखा जाए तो पिंक वुल्फ, ऊट एंड सैंडलवुड काफी क्लोज आता है वो, बट वीको का कोई तोड़ नहीं है, वो बिल्कुल खालिस आपको वैसे सुगंध देता है। और उसके बाद मुझे इस सोप में बिल्कुल चंदन की रियल स्मेल आ रही है। सो देयर इज नो डाउट दैट दिस सोप इज क्रिएटिंग वेरी गुड लादर। तो ये जो सोप है पार्कर का, ये टब में भी आता है, प्राइसेस नो डाउट उसके थोड़े बढ़ जाते हैं। सो मैंने केवल सोप को ही ऑर्डर किया विदाउट एनी टब। You can call it as a premium luxury soap, shaving soap. So final painting strokes, that's it. पार्कर्स 87R बटरफ्लाई ओपन रेजर, और इसमें जो है लोडेड है पार्कर का ब्लेड, और ये इसका आज इस ब्लेड का पहला इस्तेमाल है, और अपने शेविंग चैनल में पहली बार इस रेजर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। सो लेट्स सी हाउ इट परफॉर्म्स टुडे फर्स्ट पास विद द क्रीम। देखिए अपने शेविंग एक्सपीरियंस से जो एक बात मैंने सीखी है, जब भी आप कोई रेजर को पहली बार इस्तेमाल करते हो, वो रेजर आपके लिए नया है, आपके चेहरे के लिए नया है, तो फंडामेंटल्स तो वही रहते हैं, बट उसकी फील जो है चेहरे पे तभी आती है जब आप उसको क्लोज लाते हो अपने विस्कर्स के पास, और जब आप पहला स्ट्रोक चलाते हो तभी आपको लगता है कि किस तरह का ऑल्ट्रेशन चाहिए आपको अपनी टेक्निक में। तो यहाँ पे भी मेरे को लग रहा है, नॉर्मली क्लोज कॉम को 30 डिग्री, मगर यहाँ मेरे को लग रहा है 30 से काम नहीं बनेगा, तो थोड़ा सा मैं ऐसे लेके चल रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें आपको अपने एक्सपीरियंस से आती हैं। जिलेट के जो मल्टी कार्ट्रिज रेजर्स आते हैं या मल्टी कार्ट्रिज रेजर्स और भी जो कंपनी के आते हैं, उसमें ऐसा नहीं होता, आपको लगाना शुरू कर देना है, मगर जो आपकी टी शेविंग है, बेड शेविंग है, उसमें जो रेजर्स हैं, उसके हर रेजर जो है वो अपनी खुद की एक टेक्निक डिमांड कर जाता है आपसे, और वो एक तो स्ट्रोक पे आपको पता भी जाता है।
बाकी के बेसिक फंडे वही हैं, डोंट अप्लाई टू मच प्रेशर एंड ऑफ कोर्स लेट द ग्रेविटी डज इट वर्क। काफी स्मूथ लग रहा है ये रिजर्व। अभी इसके ब्लेड ओवर हैंग और एक्सपोजर के बारे में आपको बताता हूं। Quite close shave, very smooth. Slickness of this soap is good. Yes, it's good. I will not say it's amazing. वो top level वाली slickness तो नहीं है, but it's compared to other soap, it's still nice. चलिए come to the second pass. Lovely fragrance again. चलिए सेकेंड प्रेस एज यूजुअल अक्रॉस द ग्रेन जेंटल स्ट्रोक्स। नेक एरिया में एज यूजुअल आई एम गोइंग अगेंस्ट द ग्रेन
थोड़े से हम बहुत ही बारीक स्टबल यहां बाकी है। सो आप अपने शेविंग ब्रश को स्क्वीज करके ऐसे हाथों से भी लादर अप्लाई कर सकते हो। Knots ultra super smooth. As usual, let me apply the alum. देखिए भी हाल ही में एक मेरे सब्सक्राइबर भाई हैं, उन्होंने मेरे को लिखा कि सर आपकी रिकमेंडेशन से मैंने एक एलम ब्लॉक लोकली परचेज किया, मगर उसको लगाते ही मेरे को बहुत ज़्यादा जलन हुई, इरिटेशन हुई। तो इट मे बी बिकॉज योर स्किन मे बी एलर्जिक, अल्टीमेटली दिस इज अगेन केमिकल, सो प्लीज रिफ्रेन योर सेल्फ। आप बिल्कुल फिर एलम ना लगाएं, आपकी स्किन की जो त्वचा है, फेस की जो सॉरी त्वचा है वो एलर्जिक हो सकती है। जो फेस को वॉश करने के बाद लास्ट में आप कोई अच्छी क्वालिटी का शेव टोनर, विच हेजल वगैरह आप लगा सकते हो, और कोई अगर आपको अच्छा लगता है, आपको सूट करता है तो एल्कोहलिक आफ्टर शेव स्प्लैश भी यूज कर सकते हो। बट टुडे आई एम यूजिंग पिंक वुल्फ ऊद एंड सैंडलवुड आफ्टर शेव लोशन, एंड द रीजन इज ओनली वन, इट कॉम्प्लीमेंट्स द फ्रेग्रेंस ऑफ दिस सोप। सो आई एम टेकिंग वेरी लिटिल, सो दिस मच इज इनफ। पिंक वुल्फ की ऊद एंड सैंडलवुड फ्रेग्रेंस की बात ही कुछ और है। चाहे वो आपके आफ्टर शेव लोशन ले लो, आफ्टर शेव बाम ले लो, या इनका सोप ले लो, हैवन द एक्सपीरियंस। सो ये थी आज की शेव। सो आई एम प्रीटी मच श्योर दैट आपको पसंद आया होगा जो कुछ भी आज मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेट किया। सो जल्दी से मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि आज कौन कौन से प्रोडक्ट्स मैंने यूज किए। सो टुडे आई हैव यूज्ड पाकर 87R रेजर, इट्स ट्विस्ट टू ओपन, और आई शुड से बटरफ्लाई ओपन रेजर। आप अगर इसका देखोगे ब्लेड कैप, सो ये एक मैं कहूंगा इसको, अगर दाढ़ी बढ़ी हुई है आपकी तो ये माइल्ड से मीडियम एग्रेसिव की तरफ जाता है, मगर इसके बारे में अलग अलग लोगों के अलग अलग रिव्यूज आए हैं। कई लोग इसको एग्रेसिव मांगते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि यार बड़ा ही माइल्ड है, बट मेरे को ये माइल्ड टू मीडियम एग्रेसिव लगता है, और डेली शेविंग की जगह मैं इसको 2 दिन या 3 दिन की बियर्ड के साथ यूज़ करना ज़्यादा पसंद करूँगा। और यस, इसमें अच्छा खासा ओवर हैंग है, ब्लेड ओवर हैंग आपको क्लियरली दिख रहा है, सो इट इज़ नॉट फुल्ली कवर्ड, बट अदरवाइज फिट फिनिश, लाजवाब परफॉर्मेंस। 5 में से 4.5 मैं इसको जरूर दूंगा। एंड ऑफ कोर्स इट इज लोडेड विद पार्कर ब्लेड्स, एंड पार्कर ब्लेड्स आर ऑल्सो आई फाइंड देम अ लिटिल बिट 1 लेवल नीचे कंपेयर टू जिलेट के, जो प्लैटिनम सीरीज के जिलेट ब्लैक जो ब्लेड्स आते हैं उससे ये एक पायदान नीचे रखता हूँ मैं, मगर फिर भी अच्छा परफॉर्म करते हैं। 2 शेप 3 शेप क्वालिटी निकाल के देखते हैं। पार्कर का सोप फ्रेग्रेंस के मामले में 5 में से 5, परफॉर्मेंस के मामले में 5 में से 4, बट अच्छी क्वालिटी का सेफ है। थोड़ा सा प्राइस वाइज थोड़ा हायर चला जाता है, आई एम नॉट से इट्स अ वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट,
बट क्योंकि पाक एक यू नो बहुत पुरानी स्टैब्लिश कंपनी है, तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू चार्ज द प्रीमियम, बट ओवरऑल आई एम सेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस ऑफ द सोप। और आगे इसको यूज करूंगा और इसके बारे में अपने और यूजर एक्सपीरियंस डेफिनेटली शेयर करूंगा। स्मेल इज फंटेस्टिक एंड ऑफ कोर्स दिस अ प्रीमियम क्वालिटी पाक सिंथेटिक शेविंग ब्रश। आई ऑलवेज इंजॉय मेकिंग लादर फ्रॉम दिस। एंड जहाँ तक मेरे को इसमें फेस लादर से ज़्यादा मज़ा इसमें बोन लादरिंग में ज़्यादा आता है, ये भी मैं आपको बता दूँ। और ये एक छोटी सी सैंपल बॉटल जो सुबोध शर्मा जी ने मेरे को भेजी थी, बीच में मैंने एक बोर ब्रश मंगाया था उनसे, सो थैंक्स अ लॉट सुबोध जी। सो बड़ी कंजूसी यूज़ करता हूँ, मगर अब इसका एक पूरा मुझे लगता है कि मेरा पुराना वाला ओवुड एंड सैंडलवुड जो है ख़त्म हो चुका है, तो नया मेरे को ऑर्डर करना पड़ेगा। सो डेफिनेटली इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट आफ्टर शेव पम्प्स विच आई हैव यूज्ड टिल डेट, एंड बेस्ट पार्ट इज दैट इट इज़ मेड इन इंडिया। सो ये था आज का शेविंग सेशन। मेरी आपसे गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप शेयर करिए। और मैंने देखा है अपने गूगल एनालिटिक्स में कि 70% जो व्यूअर्स मेरे देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते, तो अगर आप सब्सक्राइब भी करिए तो बहुत यू नो आपका बहुत ही मैं क्या कहूँ मैं थैंकफुल रहूँगा। और जो होते हैं सब्सक्रिप्शन जो होते हैं वो कहीं ना कहीं मोटिवेट करते हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है। और दूसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं लगता है कि जो आप दिखा रहे हो, जो क्वालिटी आप जो पैशन से आप दिखा रहे हो, लोग उसको पसंद भी कर रहे हैं। तो आई होप दैट यू आर लाइकिंग ऑल दीज वीडियोज विच आई एम पोस्टिंग। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, एट द सेम टाइम ट्राई टू शेयर देम, एंड अगर हो सके तो लाइक दीजिए और अपने कमेंट्स अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में जोड़ दीजिए। सो तब तक के लिए अपना स्वास्थ्य का आप ख्याल रख रहे होंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और ज़िंदगी के मज़े लीजिए, शेयरिंग के मज़े लेते रहिए। एंड और मैं इससे क्या कहूँ, मिलते हैं ब्रेक के बाद। टिल देन बाय बाय, टाटा, सायोनारा, जय हिंद, लव यू ऑल।